हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर पर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण की कोशिश के गंभीर आरोप लगाने वाली पायल घोष खुद जुड़ गई है एबीपी न्यूज पर। बहुत स्वागत आपका पायल। सबसे पहले अभी खबर निकल कर आई कि आप आज या कल थाने में बकायदा औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज करवाने जा सकती हैं। हाँ, मैं मेरे एडवोकेट इज गोइंग टू एंड विल डू इट टुडे सर। आज कब तक उम्मीद करें पायल? इवनिंग तक। शाम को आप कोई वक्त अगर बता पाए तो? नहीं, टाइम का एग्जैक्टली अभी डिपेंड करता है कि व्हेन माय एडवोकेट विल कम विल लेट यू नो। ठीक है पायल, आज संसद के अंदर बकायदा रूपा गांगुली आपके समर्थन में आ गई, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद है वो आपके समर्थन में आई हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े थे कुछ देर पहले, उन्होंने भी आपको अपना समर्थन दिया है। थैंक्स टू देम, क्योंकि अगर मुझे हेल्प मिल सकता है तो देशवासियों से मिल सकता है, या मुझे गवर्नमेंट से मिल सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल सकता है। फिल्म वालों से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्म वालों का रोजी रोटी अनुराग कश्यप जो के पैसे से चलते हैं, इज अ बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑल्सो। सिर्फ अगर मैं कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम ले लेती तो शायद लोग मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि लेकिन मैंने जिनके बारे में बोलने की हिम्मत की है, दैट पर्सन इज अ बिग पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन बॉलीवुड, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और लोगों को जो लोग उनको फेवर भी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो जो बोला ये उसका पैटर्न है, वो दूसरे को भी ऐसे ही बोलते होंगे शायद, वो मुझे लगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन जानने वाले आदमी मुझे इतना खोल के सब कुछ बोल सकते हैं, तो शायद जिन लोगों को इतने दिन से जानते हैं उन लोगों को भी बोलते ही होंगे। लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके रोजी रोटी चलते हैं, उनसे फिल्म मिलता है, उनको सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने बॉलीवुड में आपको समर्थन ना मिला पहले ना अब मिलेगा। मुझे लगता है कि समर्थन हासिल करने का सबसे मुफीद तरीका आपके पास ये है, ये लम्हा। इस लम्हे में आप बताइए कि वो वक्त, वो दौर, हाँ, और वो वाक्य था क्या, हुआ क्या था आपके साथ? वही मैंने आपको तो बताया है कि पहले मैं उनसे उनके ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ मिलने गई थी, उसके बाद उनके घर पे गई थी, उन्होंने किस साल की बात बता रही है, घर पे एड्रेस वगैरह भी दिया, तो मैं गई थी फिर उस किस साल की बात बता रही हैं? हेलो, कितनी पुरानी बात बता रही हैं? हाँ, वही बात है ना जो मेरे साथ हुआ है, ये 2014-15 में हुआ, जब वो बॉम्बे वेलवेट शूट कर रहे थे। ठीक है, बताएं। और मैं इतने सालों से मुझे फिर उनके घर पे गई, तो फर्स्ट जब मैं उनके घर पे गई उस दिन मुझे उन्होंने खाना परोसा, सर्व किया खाना, फिर दैट डे उसने अपने स्ट्रगल के बारे में बात किया, अचीवमेंट के बारे में बात किया, और मेरे मतलब मुझे भी पूछा तुम क्या 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 बनना चाहते हो, एक्टर या स्टार, बहुत एवरीथिंग वॉज फाइन दैट डे। फिर मुझे वो भी इतना ये भी बोले उन्होंने कि वो रात को सोते ही नहीं है, मॉर्निंग में सोते, एंड दिस आर नॉर्मल कन्वर्सेशंस। एंड फिर मैं 8:30, 8:45 में आ भी गई, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। एंड जब कोई भी जैसे, क्योंकि ना तो वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से है, ना तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में, हम लोगों के बैकग्राउंड है, जब तुम बाहर से किसी को देखते हो कि कुछ अचीव किया है तो वो ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, तो मुझे अच्छा लगा। बट जब नेक्स्ट डे मैं उन्होंने वापस मुझे बुलाया और मैं जब गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे कुछ, और कुछ स्मोक भी कर रहे थे, पता नहीं वो सिगरेट तो नहीं, तो पता नहीं क्या था वो। और फिर थोड़ी बहुत बात होने के बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गए, और जो भी हुआ अनहोनी, जो हॉरिफिक सिचुएशन था, तो वो तो पता ही है अभी। फिर उसके बाद से मतलब उन्होंने बाकी सारे भी बात किए हैं, और जो उन्होंने जो जो जैसे जैसे किए, जो जो किए, कैसे कैसे रूम, मैंने सब कुछ एग्जैक्टली आपको वही बताया। उनके पास एक बिल्ली भी है, और वो जो यारी रोड के घर है उनके, सो वो दो माले का है ऊपर, डुप्लेक्स टाइप्स का, और वो एक सामने एक छोटा सा पतले गली के ऊपर है। मैंने जो कहा है बस उतना ही कहा है जितना मैंने उन्होंने मुझे कहा, उसके बियॉन्ड मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती और बोलूंगी भी, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ उतना ही कहा जितना उन्होंने कहा, चाहे वो किसी और के नाम लेके बोले है, जो भी बोले है, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा वो।
मैं किसी के बारे में क्यों बोलूंगी, मैं तो जानती तक नहीं किसी को यार, और उस टाइम तो मैं और भी नहीं जानती थी किसी को, 2014-15 में मैं किसी को भी नहीं जानती थी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि औरत जब भी बोले उसके बोलने का सम्मान होना चाहिए, लेकिन दो बातें हैं पायल, एक ये कि आपसे ये आरोप लग रहे हैं, आप पर कई लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कंगना और अनुराग की तूतू मैं हुई ट्विटर पर, उसके बाद आपका ये बोलना, आपने इतना लंबा इंतजार क्यों किया, जब आप खुद कह रही कि साल 2014 का ये मामला था पहला। दूसरा, बॉलीवुड में तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस अनुराग कश्यप को सबसे बड़ा अनुराग कश्यप को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बताकर उनके साथ खड़ी हुई है, दोनों सवालों पर आपका जवाब। उसके ग्रुप में ही वो काम करती है, उसको तो बनाएगी, वही उसका ग्रुप ही वही है, उसको फिल्म मिलती है उसी ग्रुप से, तो उसको तो सपोर्ट कर, और उनके रिलेटेड जो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मेरा पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं। ये बात मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की, मैंने एक बार जब फेसबुक पे थी तब भी मैंने पोस्ट किया था, फिर मुझे डिलीट करवाया गया, मेरे मैनेजर ने तुरंत डिलीट कर दिया, और वैसे भी मैं सारे पोस्ट है और पहले भी मैंने ट्वीट किया था, वो सब रिट्रीव हो जाएगा कि मैं किसी चीज को यूज करने के लिए बोल रही हूँ या सच्ची में मेरे साथ हुआ था, मैंने 4-5 बार ट्वीट भी किया, सब रिट्रीव करके दिखा दूंगी। जी पायल जी बिल्कुल, मेरे पास सारे है, सारे प्रूफ है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं कि आप इतना लंबा वक्त इंतजार क्यों करती रही, इतने लंबे वक्त चुप क्यों थी, किस बात का इंतजार कर रही थी, उनको क्या कहेंगे? मैं इंतजार नहीं की, मैं तो बोल रही हूँ, मैंने ट्वीट किया, मैं तो बोल रही हूँ, मैंने ट्वीट भी किया, पोस्ट भी किया, लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं वो करने नहीं पायल, बोले ट्वीट करना, देखिए पायल समझिए इस बात को, ट्वीट करना करियर खराब हो जाएगा, पुलिस नहीं नहीं ट्वीट करना और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराना, ये दो बातें, ट्वीट से कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जब आप आज थाने जाएंगे तब होगी। ट्वीट आप सोचो, अभी मुझे ट्वीट ही अगर मेरे घर वालों ने नहीं करने दे रहे हैं, मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे अगर इतना ही नहीं करने दे रहे तो मैं जाऊंगी क्या, अकेले जाके पुलिस कंप्लेन करती? जिस दिन मेरे साथ ये चीज हुआ था, नेक्स्ट डे मैंने मेरे मैनेजर से मिली थी और उसने बोला कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो अभी पुलिस के पास चलते, उसका अभी का अभी अरेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते कोई भी। फिर हम दोनों ही थोड़ा डर गए बाद में, फिर हमने बोला कि नहीं, फिर क्या पता आगे क्या होगा, और तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मैं उतना काम भी नहीं किया था बॉलीवुड में, उतना किसी को जानती भी नहीं थी, तो मैंने बोला कि फिर पता नहीं क्या होगा, फिर हम दोनों ही थोड़ा चुप हो गए। फिर आगे जब भी ऐसे जब मीटू वगैरह आया तब, और जब मैं अनुराग कश्यप को फेक वुमेन लिबरेशन और फेमिनिज्म की बात सुन करते हुए देखा, तब भी जब भी मैं उसको ये देखती थी ना, तब मुझे वो हॉर्न करता था बहुत कि ये इंसान पीछे ऐसा है, दूसरे लड़कियों के नाम लेता है, इतने लड़कियों के साथ उनके जो भी रिलेशन रहे होंगे वो इतना प्राउडली सबको बोलते हैं, तो वो इंसान फिर फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, वही इंसान फिर वुमेन लिबरेशन वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर, ये सब जब मैं बार बार सुनती तो मुझे ये अंदर से एक मतलब आपको गुस्सा आता, और मुझे पायल दो बातें बहुत हॉर्न कर रहा था, बिल्कुल जायज है, बहुत आपको गुस्सा आना, और मैंने बहुत बार इसको प्रोटेस्ट भी किया है, और एबीपी न्यूज भी, मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई भी औरत चाहे 5 साल बोले या 15 साल बाद बोले, अगर वो बोल रही है तो वो जो भी वो कह रही है उसका सम्मान होना चाहिए, बाकी कानूनी कार्रवाई तो आगे चलती रहेगी। पायल दो बातें, अनुराग कश्यप की पहली पत्नी उनके समर्थन में आई है, बिल्कुल मैं आ रही हूँ, जो बात आप कह रही हूँ उस पर आऊंगी मैं, उससे पहले अनुराग कश्यप की पहली पत्नी उनके समर्थन में आ गई और कहा है कि तुम एक रॉक स्टार हो और आपने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो वो इतने ही अच्छे इंसान थे कि ना तो उनके पहले पत्नी उनके साथ रहे पे, ना तो उसके दूसरे पत्नी उनके साथ रहे पे, वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान को छोड़ा क्यों, उसकी पहली वाइफ रॉकस्टार को छोड़ क्यों दिया जी, फिर उसकी सेकंड वाइफ भी छोड़ दिया, दो इंसान 20 सालों में 15 सालों में दो इंसान लाइफ से चले जाते हैं, और फिर बाद में क्योंकि उन लोगों को थोड़ा मिलता होगा पैसा वैसा तो सपोर्ट तो उनको करेंगे, मैं तो नहीं दूंगी ना कुछ, मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है पायल, एक आखिरी सवाल, अमूमन जिस तरह का हमारा समाज है, जब एक औरत जब एक लड़की इस तरह से खुलकर खुद पर हुए अत्याचार को लेकर सामने आती है तो वो अपना चेहरा छुपा लेती है या फिर कैमरे वाले से कहती है कि भाई साहब कैमरा थोड़ा सा आप तिरछा कर दीजिए, लेकिन आप खुलकर नेशनल टेलीविजन पर बैठी हैं और कह रही हैं हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ तो मतलब अभी मुझे ये बोलने में भी 6 साल लग गया, क्योंकि मैं
हमेशा बोलना चाहती थी, लेकिन देखिए हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, हमारे फैमिली में इतना, और हम लोग कलकत्ता से आते तो हम लोग इतना ब्रॉड माइंडेड है ही नहीं। बॉम्बे के लोग फिर भी ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन हम लोग इतना ब्रॉड माइंडेड हमारे फैमिली नहीं है, मैं हूँ। लेकिन मैं हूँ बोलकर आज मैं बॉम्बे हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं फैमिली के सबके साथ लड़के फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ। मेरे फैमिली वाले कभी सपोर्ट नहीं किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आओ, ये फिल्म में काम करो। हमारे घर में लड़कियां काम भी नहीं करते, तो मैं सबसे लड़के आई हूँ क्योंकि मुझे मुझे ये अच्छा लगता है। मैं बोल्ड हूँ, मैं कन्वेंट स्कूल से आती हूँ, तो मेरे माइंड हमेशा ब्रॉड ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों का नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कभी मुझे ये चीज के बारे में बोलने के लिए कभी सपोर्ट ही नहीं किया कि नहीं नहीं तुम अभी, फिर रिलेटिव्स वगैरह बोलेंगे कि अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ, मतलब यू नो लाइक बहुत चीजें होती हैं जो फैमिली। अच्छी बात है पायल कि आप उस दौर से बाहर आ गई हैं और इतनी हिम्मत जुटा पाई हैं कि 5 साल बाद ही सही, लेकिन आज आप कह रही हैं एबीपी न्यूज पर कि मैं थाने जाऊंगी, औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराऊंगी। बहुत शुक्रिया पायल, आप जुड़ी हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।